एक महात्मा जी भ्रमण करते थे तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरें असरफियां उनको भेंट में देते लोग, तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के लिए, सिद्धांत में ये ठीक नहीं है। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको खुआएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया, बेंत जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पोला और मोहरे उसमें डालते हैं और भ्रमण, जहां जहां श्रद्धालु भगत थे सबके यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो वो बांधती ही है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी भर गई, भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे। जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले, तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है जैसे कहीं रुको कि कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है, तो कुछ लोगों ने बताया हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे। आइए महाराज, घर में रुका, खूब अच्छा हलवा पूरी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दबाए, चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे, इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रहस्य है ही है। अब महात्मा जी को खवा पिला के सुला दिया, महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से धीरे से कहा डंडा लाओ बाबा जी का डंडा, और चूड़ीदार जो ही खोला पलटाया तो सैकड़ों मोहरे, ऐसे संत रोज पधारे भगवान तुम आनंद हो जाए। फिर क्या, पत्नी से कहा नाप के कंकड़ लाओ, वो तो महात्मा जी तो खाए खीर पूरी आराम से सो रहे, रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगाकर सिराने रख दिया, सारी मोहरे हटाने, महात्मा जी आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का। वैसे बड़े लोग चतुर होते हैं पर ये नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है, और उनके कोई संतान नहीं थी पर धन में इतना प्रेम उनको था। बहुत सावधान साधु महात्माओं के पास जो अर्थ है, गृहस्थी अगर आता वहीं से पर अगर उसको जोर जबरदस्ती या किसी छल कपट से तो वो उसका विनाश ही करता है, आज तक का प्रमाण है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा या पता होगा तो लोभ के कारण वो उसको मान नहीं पाए होंगे। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए, उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब, उनका महाराज बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा सब व्यवस्था, बोले आप मनाइए एक एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, इकट्ठे देंगे हम। उनको था कि अगर हम छड़ी खोला और 2-4 मोहरे दी किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकती, बोले हम भंडारे के समय आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक, वो अपने पास से पैसे लगाकर खूब जितना सामग्री सब लाए लाखों की और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संतजन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है, तब वहां के महंत है उनका देखो भंडारा भी बन रहा है, संतों को निमंत्रण। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी, संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया उनको दे, देखो रसोई बन गई है सब। उनका छत में विश्वास नहीं, तो
चूड़ी खोली, उनको तो था ना कि मोहरे हैं कंकर, तो जिसे कितना उनको सदमा लगा होगा, हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन और संत हो के छल कपट, तो उनका महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया जो महंत थे, अब बताओ रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए, आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं उनको, आपने तो हमें बर्बाद कर दिया, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते, संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें। अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास, अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम, ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है, क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लिखित में भोगना पड़ेगा, वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है, सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बमूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक छेदा हुआ, वो आह भर करके मरा, तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर, आह किसी की ना लेना जिंदगी, कोई ऐसा काय कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुखी फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी, फिर तो संत थे और भगवत आराधना के लिए, संत आराधना के लिए ही ऐसा किए हुए थे, अब इनका कैसे मुंह दिखाएं, अब क्या करें, सुबह संत जन आएंगे सबके बीच में हमारी की देखो इन्होंने, अब क्या करें, गए और संगम में जाके छलांग लगाए, अपने प्राण त्याग दिए, अब उनके तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा, और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ, अब तो उनको आके संत फलीभूत हो गया, व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया, बड़ा आनंद छा रहा है, जब से वो प्रगट हुए और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ सब, बस बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में, अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ, इतने आशक्त तो वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो, व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, बोले हमारी अंतिम इच्छा है प्रयाग चलो, और जितने प्रयाग में संत महात्मा सबको एक बार भंडारा करवाओ, हमारी इच्छा अंतिम है, क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी, बोले अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई, तो बोले घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो, मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो, घर बेच दिया, जेवर बेच दी, वहां गए जब संत सेवा की, तो बोले मुझे संगम तक ले चलो, संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर, मैं वही महात्मा हूं जिसकी तुमने मोरे ली थी, शरीर छोड़ दिया, महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी, ऋणानुबंध होश में, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान,